दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है वीवो का मोबाइल है और उसमें जो है ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना तभी आपके जो है समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है थोड़ा स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है ऐप्स नाम से एक सेटिंग दिखाई देगी, ऐप्स के नाम से या फिर ऐप्स मैनेजमेंट के नाम से। तो आपको जो है इस ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैनेज ऐप्स का एक ऑप्शन, या फिर आपको मैनेज ऐप्स की जगह पर दिख सकता है ऐप लिस्ट का ऑप्शन। तो आपको जो है इस मैनेज ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है राइट साइड में जो है थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन शो ऑल ऐप्स का, या फिर आपको दिखाई देगा शो सिस्टम ऐप। तो आपको जो है शो ऑल ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लूटूथ। जैसे आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लूटूथ। तो आपको जो है इस ब्लूटूथ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन, तो आपको जो है फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है, मतलब फोर्स स्टॉप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर डाटा का, क्लियर डाटा पर आपको क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टोरेज का एक भी आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पर भी क्लियर ऑल डाटा, इस पर आपको क्लिक करके ओके पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, आपका जो ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा था वो यहाँ पर जो है ऑन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा ब्लूटूथ जो है ऑन हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी जो इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।